बेटा सारी चीजें रख दी। जी डैड, सारे कपड़े आपके पैक कर लिए हैं, नाइट सूट्स वगैरह भी रख दिए हैं। अच्छा ये देख लीजिएगा कि आपका मोबाइल चार्जर और पावर बैंक इस वाली पॉकेट में। अच्छा हो गया, ठीक कर दिया। अच्छा डैड, मंडे तक आप वापस तो आ जाएंगे ना? मुनीर साहब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपका होना बहुत जरूरी है। हाँ इंशाल्लाह, 3 दिन का तबलीगी काफिला है, तो बस वो इतवार को इज्तिमाई दुआ होगी, फिर आ जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाईजान, ये अलीजा ने आपके लिए शामी कबाब बनाया। हाँ मुझे। अच्छा फिट है, इतनी मेहनत क्यों की, क्या जरूरत थी, वहां भी तो खाना मिल जाता है। भाईजान घर जैसा जायका थोड़ी मिलेगा। अरे अपनी ख्वाहिशात और नफ्स पे काबू, दुनिया की लज्जतों को छोड़कर अल्लाह से लौ लगाना, यही तो तबलीग का मकसद है। वहां जाकर भी अगर दिल यहीं कहीं लगा रहेगा और ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते रहे तो फिर क्या फायदा। मामू जान लेकिन मैंने इतनी मेहनत से बनाया। अरे बेटा तो हम तो दिल थोड़ी तोड़ूंगा, लो लंगर समझ के ले जाएंगे, वहां दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अच्छा डैड मैं गाड़ी निकलूं। हाँ ठीक। अच्छा सुनो, तुम मुझे वहां मस्जिद तक छोड़ देना, वहां से हम चले जाएंगे। ठीक है डैड, बिल्कुल ठीक। युवा कीजिएगा हमारे लिए। जी मामू जान, सबसे ज्यादा मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तुम सबके लिए दुआ है, जीते रहो, अल्लाह अपनी ईमान में रखे। ठीक है फिर, अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लो भाई, बस यही ड्रेसेस है मेरे पास, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो और प्लीज सुबह शो के लिए पहन लो। इनमें से मुझे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं, सारे ड्रेसेस बेकार हैं। क्या करूंगी? एक काम करते, लास्ट वीक ना शिजापी के शो में एक टिकटॉकर ने मैक्सी पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी, तुम भी मैक्सी पहन के देखो ना, बहुत प्यारी लगोगी। नहीं यार एनी, मैक्सी का फैशन ना बहुत पुराना हो गया, मैं चाहती हूँ कि आजकल के फैशन का ना कोई अच्छा सा ड्रेस पहन। बड़े अब्बू को परमिशन देनी चाहिए ही नहीं थी तुम्हें। पागल वागल तो नहीं हो गई हो, क्या बकवास कर रही हो, ये मुश्किल से परमिशन मिली, उल्टी सीधी बातें करो और नजर लगा दो। अब मुझ में नहीं आ रहा क्या एनी, सवेरा की बहन की शादी हुई थी ना 10 दिन पहले, उसके पास इतने सारे ड्रेसेस हैं, क्यों ना उससे चल के ले लें। मॉर्निंग शो में शरारे गरारे पहनकर जाओगी। अरे यार शरारे गरारे नहीं पहन रही, उसके अलावा भी उसके पास काफी सारी फ्रॉक्स हैं और अच्छे अच्छे कपड़े। एक काम करते हैं ना, उसके पास चलते हैं और उसे 2-3 कलर की फ्रॉक्स ले आते। एनी प्लीज, मेरी प्यारी बहन नहीं हो? एनी चल लो ना, मेरी दोस्त नहीं हो? प्लीज प्लीज प्लीज, 10 मिनट के लिए जाएंगे और जल्दी से होके आ जाएंगे। एनी प्लीज, अम्मी इजाजत नहीं देंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी प्यारी सी बहन हो ना, चल लो मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जाना चाह रही, बस जल्दी से जाके ड्रेस लेकर आ जाएंगे। तुम बहुत तंग करती हो रमशा मुझे, जाओ जल्दी से जाओ, जाके तैयार हो और मेरे साथ चलो, मैं जब तक दुपट्टा पहन के आती हूँ, जाओ 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 भागो। तो ये लड़की ना बिल्कुल ही पागल है। ओके बहुत शुक्रिया। बिजी ऑफ्टन? नहीं नहीं पप्पू, बिल्कुल भी बिजी नहीं हूं। क्या हुआ? लगता है कुछ ज्यादा ही नए दोस्त बना लिए हैं तुमने। मैं नोटिस कर रही हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो फोन में। हाँ अच्छा, नहीं पप्पो मुझे ऐसा नहीं लगता, बस वो कामकाज के सिलसिले में ही और दोस्त नए कहाँ बनाने हैं मेरे, आप तो जानती हैं मेरे पास तो वक्त ही नहीं होता, सारा वक्त तो दफ्तर में ही गुजर जाता है, और बस ये कुछ पुराने दोस्त ही हैं, कभी कभी मैसेजेस कर लेते हैं तो बात कर लेता हूँ, भाई दोस्त कैसे बनाऊंगा। हाँ वैसे भी माशाल्लाह तुम्हारी और अलीजे की शादी होने वाली है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी अलीजे से तो फिर कहाँ टाइम मिलेगा दोस्तों के लिए, शादी के बाद तो वैसे भी इंसान फैमिली का होकर रह जाता है ना। जी आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह, बहुत समझदार हो तुम अफनान, और मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद है। पप्पू क्यों ऐसा कह रही है, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा।
गुड, चलो मैं चलती हूँ, तुम चाय एंजॉय करो। देख रही आप कितना बड़ा खूबसूरत ऑफिस है अम्मी। हाँ वैसे ये जो चैनल वालों के ऑफिस होते हैं ना, इतने ही बड़े बड़े होते हैं। अरे वो खालदा भाजी नहीं है, उनकी बेटी भी ना किसी चैनल के ऑफिस में काम करती है। वो बता रही थी कि इतना बड़ा ऑफिस है और पूरे ऑफिस में एसी है, और ना ये लोग ना अपने मुलाजमीन का बड़ा ख्याल रखते हैं। अरे कहीं आना जाना होता है ना, मुल्क के बीच में ही कहीं आना जाना हो, जहाज से बुलाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। भाई बड़ा ख्याल रखते हैं ये लोग अपने मुलाजमीन का। सही कह रही हैं, ये तो है, बस बड़ा ख्याल रखते हैं ये लोग। अरे रमशा इतनी देर हो गई हमें आए हुए, बुला क्यों नहीं रहे हैं? अम्मी आहिस्ता बोले, सिर्फ 7 बजे अभी तो, और मॉर्निंग शो 9 बजे स्टार्ट होता है, बहुत मसले होते हैं अंदर, सफर करें, वेट करें थोड़ा। फिर भी बुला लेना चाहिए ना, अब तो बहुत देर हो गई है। मम्मी भाई थोड़ी सेटिंग होती है अंदर, चीजें लगनी होती है, लाइट्स होती है, कैमरा होता है, टाइम लगता है जरा, रुक जाए। हेलो रमशा। हाय अम्मी, आए ना। हाउ आर यू? आई एम गुड, ये मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं हूँ कोमल, शो के सिलसिले में आपकी मुझसे ही बात हुई थी। जी जी जी। आप लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी, कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं बेटा, वो हम टैक्सी में आए हैं और टैक्सी वाले ने हमें सीधा यहीं पहुँचाया है। चलें ये तो बहुत अच्छी बात है। रमशा तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारा हेयर एंड मेकअप होगा और फिर हम तुम्हें सेट की तरफ ले जाएंगे। अरे लेकिन ये इसका मेकअप तो हुआ हुआ है, और क्या करना है? आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन कैमरे के सामने जब हम आते हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बल्कि हेयर एंड मेकअप तो आपका भी होगा और वार्डरोब तो हम ही लोग आप दोनों को दे रहे हैं। ऐसा करें आप दोनों मेरे साथ आ जाएं। जी 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 अम्मी जी, आइए आइए। चलें चलें। बस अभी थोड़ी देर में मेकअप शुरू हो जाएगा हम दोनों का। रमशा ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं रूमी। हेलो रमशा। हाय कैसे आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। नोमी तुम्हें पता है ना, रमशा को तैयार करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। डोंट वरी, मैं 10 मिनट में रेडी कर दूंगा। रमशा आओ मेरे साथ। चले चले। अरे अरे क्या हो गया, और ये क्या बेशर्मी है, मर्द जो है वो मेरी बेटी का मेकअप करेगा? नहीं 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 आंटी, ये हमारा मेकअप आर्टिस्ट है नोमी। अरे होगा ये तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट हा, लेकिन कोई मर्द ना मेरी बेटी का मेकअप नहीं करेगा, बस कह दिया मैंने, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आंटी आप प्लीज काम डाउन हो जाएं, शायद आपने ये सब कुछ फर्स्ट टाइम देखा है इसलिए आप इतना हाइपर हो रही हैं। रमशा तुम अपनी अम्मी को समझाओ ना, ये सब कुछ तो बहुत नॉर्मल है आजकल के दौर में। हाँ ना अम्मी, इट्स नॉर्मल। चुप कर जा नॉर्मल की बच्ची, बस बहुत हो गया। और ये कहाँ का इंसाफ है, जो ये कहेंगे वो हम मानते चले जाएंगे, भले वो अच्छा हो या बुरा हो। ना कोई तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करेगा और ना ही तुम यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दोगी, ऐसा नहीं होता है। चलो आंटी, 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 रिलैक्स करें। आंटी मेरी बात सुनो, रिलैक्स करें। अगर आप नहीं चाहती कि नोमी रमशा का मेकअप करे तो ऐसा नहीं होगा। नोमी तुम जाओ, मेरे पास एक और मेकअप आर्टिस्ट है रूबी, वो रमशा का मेकअप कर देगी, आप प्लीज परेशान ना होइए। हाँ बेस्ट हो गया, ठीक है ये ठीक है अम्मी, वो रूबी मेरा मेकअप कर लेगी, आप आराम से बैठे। आंटी आप बैठे, रमशा के बाद मैं आपको मेकअप के लिए लेके जाऊंगी। चलो रमशा आप आइए। चलो चलो चलो।